गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, मेरा टॉपिक चल रहा था अधिगम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अधिगम का अर्थ समझाया और अधिगम की परिभाषा बताई। विभिन्न विभिन्न जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं और जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, उनकी परिभाषाएं मैंने आपको लिखवाई और समझाई। मैं यह मानना है कि आप उन परिभाषाओं को समझ, जो परिभाषाएं मैंने लिखवाई उन्हें वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आज मैंने, अब हमने परिभाषाओं के बारे में समझा, उनके अर्थ के बारे में समझा, तो हम एक चीज अधिगम के अर्थ को अगर हम ये जानना चाहें कि परिभाषा के आधार पर हमारे जो अधिगम है उसका अर्थ क्या निकलता है, जो समस्त हमारी परिभाषा है उनके आधार पर अगर हम देखें कि हमारे अधिगम के बारे में हम जो समस्त अर्थ है वो क्या होता है, वो है सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन उनके अंदर आता है। हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर परिवर्तन दोनों तरह से आता है, बाह्य और आंतरिक, यानी कि बाहरी तौर पर भी और आंतरिक तौर पर, दोनों तरीके से अधिगम में हम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। अतः हम मानते हैं कि जो हमारे सीखने की एक जो प्रक्रिया है उसके अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे व्यवहार में एक स्थायी और अस्थायी परिवर्तन हमारे अंदर दिखाई देने लगता है। क्योंकि अस्थायी, क्योंकि जब हमें वो आवश्यकता बनती है हम उसके आधार पर कार्य करते हैं, और कार्य के आधार पर जो हमारा परिवर्तन होता रहता है वो हमारे उस परिस्थिति के अनुसार है, इसीलिए वो अस्थायी। और स्थायी कैसे, कि जो हमने सीखा है अगर भविष्य में वो हमारे काम आता है तो वो हमारा एक स्थायी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा अधिगम है उसके अंदर हम व्यक्ति के अंदर दोनों तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं, आंतरिक तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी। आज जो पढ़ा रहे हैं वो है हमारे अधिगम की विशेषताएं और इसको प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से कारक हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं, साथ में कि अधिगम में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो प्रथम है हमारी उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना। अधिगम का उद्देश्य क्या आता है, ये हम सब मानते हैं कि हम अधिगम करवाया ही इसलिए जाता है कि उसका मेन जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो सर्वप्रथम जो हमारी इसकी विशेषता है वो है, हमारा अधिगम का उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिससे कि उसके व्यवहार के हर पक्ष को वो प्रभावित करता है। यानी कि प्रथम हो गया हमारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। सेकंड है हमारा कि अधिगम का अर्थ, अधिगम का अर्थ क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अधिगम और शिक्षण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम इनके दोनों नाम को जब हम मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा अधिगम है उसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना, अनुभवों को परिष्कृत करना कि और ज्यादा हम अनुभवों में सुधार ला सके, उनमें क्या हमें और अच्छा हम उसमें समावेश कर सकते हैं और संगठित करना, ये हमारे जो अधिगम है उसकी विशेषता होती है। अधिगम की सर्वप्रथम विशेषता, हम उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम उसे याद करते हैं कि हमें किस तरीके से हमने ज्ञान को प्राप्त किया, उसे याद करके हम उसे अपनी प्रक्रिया में काम में लेते हैं। थर्ड ना हमारे अनुभवों को परिष्कृत करना, क्योंकि मैंने लास्ट आपने को बताई भी थी परिभाषा में भी कि जो हमारा जो अधिगम है वो हमारी परिस्थिति में पूर्व ज्ञान को जरूर जोड़ता है। तो पूर्व ज्ञान क्या हो गया, हमारा अनुभव, अब हमें उसको और परिष्कृत करना है, यानी कि उसके अंदर कुछ जो हम नया जोड़ सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और अच्छा उसे बना सकते हैं, हम किस आधार पर कर सकते हैं, अनुभव के आधार पर। जब तक हमने उसे पहले प्रयोग में नहीं लिया हो क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं, नहीं, तो अनुभव में ही हम सुधार करते हैं। तो अनुभव, इसमें कहा गया है कि अनुभव को परिष्कृत करना और फिर बाद में उसको संगठित करना कि हमें उसे ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है। तो ये हमारी सेकंड अधिगम की विशेषता है। थर्ड है हमारा प्रेरक वे प्रतिक्रिया के बीच नवीन संबंध, ये भी हमारे अधिगम की विशेषता है। यानी कि जो हमारा अधिगम है वो प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच में नवीन संबंध
स्थापित करता है कि किस से प्रेरक जो हमें प्रेरित करते हैं, कि कौन कौन से कारक होते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं, और प्रेरित करने के बाद में हम कार्य करते हैं उनसे मोटिवेट होके, और फिर हम उसका फीडबैक प्रतिक्रिया देते हैं कि जो हमने कार्य किया जिनसे प्रेरित और जो हमारे इसमें सहायक बने, हमारे प्रेरक बने, कि किस तरीके से हमने उनको देखते हुए कार्य किया, और फिर उस कार्य के प्रति हम अपनी प्रतिक्रिया बताते हैं हमारे खुद के अनुभव के आधार पर कि हमने वो कार्य किया वो हमने किस तरह किया, यानी कि हमने जो प्रेरक जो हमारे सहायक बने जिनके प्रति हमने कार्य किए उनके प्रति हम अपने विचार बताते हैं, और इन्हीं के बीच में हम क्या करते हैं, एक नवीन संबंध स्थापित करते हैं जिससे हम प्रेरित हुए और हमने कार्य करने के बाद में, क्योंकि रिजल्ट निकलने के बाद ही हम बताएंगे कि हमने कैसे कार्य किया, इससे एक नवीन संबंध स्थापित होता है कि किस तरीके से हम प्रभावित हुए, किससे प्रभावित हुए, कौन हमारे सहायक बने, और हमने किस तरीके से कार्य किया, कार्य करने के बाद हमें क्या प्रतिफल उससे प्राप्त हुआ, इससे एक नवीन संबंध उभर कर सामने आता है। फिर हमारा चौथा इसमें अर्थपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित, यानी कि हमारा जो अधिगम होता है उसका एक कोई ना कोई वो एक अर्थपूर्ण होता है, यानी कि उसका अर्थ निकलता। हमने देखा है कि हम कार्य वही करेंगे जिसकी हमें जरूरत हो, अगर वो कार्य जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है हम उस कार्य को नहीं करते। तो कहते हैं अधिगम एक तरीके से अर्थपूर्ण होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, साथ में जो हमें हमारे लक्ष्य को हमारे निर्देश करती है, हमें लक्ष्य में किस तरीके से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है ये हमें वो सिखाता है, कि हमारे लिए एक लक्ष्य निर्देशित करती है, हमें निर्देश देते हैं कि किस तरीके से हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है, ये इसकी एक विशेषता होती है। फिर है हमारा वातावरण जनित, लास्ट वीडियो में मैंने बताया थी कि हमारी जो परिभाषाएं या अधिगम के लिए हम जाने तो अधिगम की सभी परिभाषाओं में व्यवहार और वातावरण का वर्णन किया जाता है, वो प्रत्येक जो अधिगम का पक्ष होता है वो व्यवहार और वातावरण से जुड़ा होता है, तो यहाँ भी वही चीज है, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे वातावरण के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसमें कहते हैं कि जो हमारा अधिगम होता है वो वातावरण जनित होती है, ये मानते हैं वातावरण हमारी आवश्यकताओं के आधार पर उत्पन्न होता है, हमारी परिस्थिति के आधार पर उत्पन्न होता है, तो अधिगम भी हम कैसा करेंगे, जो हमारी आवश्यकता होगी और हमारा वातावरण रहेगी, इसीलिए ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि हमारा जो अधिगम होता है वो वातावरण जनित होता है, वातावरण के अकॉर्डिंग कार्य करता है। फिर है हमारी समस्या समाधान प्रक्रिया, अधिगम के लिए कहते हैं कि जो उद्देश्य हमारे सामने या हम कहें हमारा विषय वस्तु जो हमारे सामने हमारी समस्या के रूप में है, हम हमारे लिए अधिगम उसका समाधान बनता है, क्योंकि हम उसी को ही ध्यान में रखते हुए हम कार्य करते हैं, और अंत में हम उसका समाधान भी प्राप्त करते हैं, जो हम हमारा लक्ष्य लेकर चले हैं हम उनकी प्राप्ति तक पहुंचते हैं। तो कहते हैं कि ये समस्या समाधान की एक प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर हम अपनी समस्या को दूर करते हैं। सेवन है क्रियाशील व सृजनात्मक पद्धति, जो हमारे अधिगम के लिए कहता है कि अधिगम कैसा होता है, क्रियाशील, क्योंकि कहीं भी गई है परिभाषा में कि ये हमारे जीवन से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत ये हमारे चलता रहता है, क्योंकि ये एक हमारे शिक्षण प्रक्रिया का अधिगम जब हम करते हैं जो सीखते हैं वो हम कहाँ तक, यानी कि ये कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से वो सीखना शुरू करता है, चाहे वो हमारे ज्ञानेंद्रियों का अनुभव हो या हम कहें कि हम हमारे आसपास के व्यवहार में घटित होने वाली जो हमारी घटनाएं होती हैं उनसे सीखे, लेकिन हम सीखते जीवन पर्यंत है, हम लगातार और हमेशा हम निरंतर चलने वाली ये एक प्रक्रिया होती है हमारी अधिगम। फिर है इसमें अधिगम ज्ञान बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा संभव होती है, यानी कि जो हम ज्ञान यानी कि जो जिस चीज के प्रति हम ज्ञान समझ रहे हैं, बोध यानी हम समझते हैं, और संकल्प यानी जो हम दृढ़ कर लेते हैं मजबूत कर लेते हैं, तभी हमारा अधिगम संभव होता है, जिसके बारे में हम नॉलेज लें, नॉलेज को हम समझें, और समझने के बाद में हम एक हमारे मन में जो हम संकल्प लेते हैं उस शक्ति का प्रसार भी हमारे अधिगम के द्वारा होता है, क्योंकि जब तक हम जिस चीज को सीखने की सोच रहे हैं उसके बारे में हम समझेंगे नहीं
तब तक हमारी जो संकल्प शक्ति है, जो हम चाहते हैं कि हमें किस तरीके से हम संकल्प कब, जो हमारी संकल्प शक्ति का विकास कब होता है, जब हम उस चीज के प्रति दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हमें ये पूरा करना है, किस तरीके से करना है, ये हमें हमारा अधिगम सिखाता है और हम इस चीज को सीखते हैं। फिर है हमारा सार्वभौमिक। अधिगम के लिए कहा जाता है कि अधिगम जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, क्योंकि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी उद्देश्य, हमारा लक्ष्य होता है वो सार्वभौमिक होता है। इसीलिए अधिगम के लिए कहते हैं अधिगम सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। दसवां है इसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत, जहां मनुष्य के लिए कहते हैं कि हम समाज में रहने वाले हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं हमारी किससे जुड़ी होती हैं, समाज से, क्योंकि हम इस समाज के एक अहम हिस्सा हैं। मनुष्य समाज में रहने वाला एक सामाजिक प्राणी है, तो वो अपनी आवश्यकताएं इस समाज के आधार पर वो अपनी आवश्यकताएं निर्धारित करता है, अपने श्रम के आधार पर। व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से हम अधिगम करते हैं, क्योंकि इन आवश्यकताओं की जो हम पूर्ति करते हैं, हम उसी की ही, जो हमें पूरा करना होता है, हमारी आवश्यकता है, हम उसके प्रति क्रिया करते हैं, उसी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, उसी के बारे में हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये थी हमारे अधिगम की विशेषताएं, कि अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अब आता है हमारा अधिगम के कारक, यानी कि अधिगम के कौन कौन से कारक होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो सर्वप्रथम है इसका पूर्व अधिगम। इसका सर्वप्रथम कारक है। सेकंड है हमारा इसमें शारीरिक, जो हमारी विषय वस्तु का स्वरूप। सेकंड है हमारा विषय वस्तु का स्वरूप। थर्ड है हमारा शारीरिक स्वस्थ एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वस्थ एवं मानसिक स्वास्थ्य। फोर्थ है हमारा, प्रथम था पूर्व अधिगम, सेकंड था विषय वस्तु का स्वरूप, थर्ड था हमारा शारीरिक स्वस्थ व मानसिक स्वस्थ। फिर है हमारा इसमें अधिगम को सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा। फिर है सीखने की विधि, सीखने की विधि, सीखने की कि हम किस तरीके से हम सीख सकते हैं, किस तरीके से, कौन कौन से मेथड के द्वारा हम सिखा सकते हैं। हम ये मानते हैं कि जब हम बच्चों का स्तर होता है, मानसिक स्तर के आधार पर शिक्षक बच्चों को सिखाते हैं किस मेथड का वो प्रयोग करें, किस तरीके से बच्चों को किस ढंग से सिखा सकते हैं, किन विधियों का वो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम पूर्व अधिगम, सेकंड विषय वस्तु का स्वरूप, थर्ड था शारीरिक स्वस्थ व मानसिक स्वस्थ होना चाहिए, अधिगम या सीखने की इच्छा। फिर है हमारा सीखने की विधि, जिसे हम कहें कि सबसे जो मेन विधि हम कहते हैं, जिसके लिए कि हमारी जो विधि होनी चाहिए शिक्षक की, वो कौन सी होनी चाहिए, सरल से कठिन की। और फिर है हमारा इसमें अभिप्रेरणा के बाद में है हमारा वातावरण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा और वातावरण अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा है हमारा वंशानुक्रम के बाद में है हमारा थकान। ये हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पूर्व अधिगम का मतलब हम ये चीज जानते हैं,
कि हमेशा ये शिक्षण में भी बताया था मैंने कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, पूर्व जानकारी होती है, वो हमें हमारे नवीन ज्ञान के साथ हमारा संबंध स्थापित करते हैं या हमें जोड़ते हैं। तो जब भी हम अधिगम करते हैं तो हमने ये चीज देखी है कि हम उससे संबंधित पूर्व नॉलेज हम लेने की कोशिश करते हैं। अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रीवियस नॉलेज लेना जरूरी होता है। फिर विषय वस्तु का स्वरूप, हम जब अधिगम करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, वो सीखेंगे हम किस आधार पर, जो हमारा कंटेंट, हमारा विषय वस्तु है, उसके अकॉर्डिंग ही छात्र उसको सीखने की कोशिश करेगा। अगर हम, मैंने पहले बताया था कि हम हमारे लिए जितनी जो आज की शिक्षा भी हम ले रहे हैं तो वो किस आधार पर ले रहे हैं, हमारी आवश्यकता के आधार पर। जितनी ज्यादा हमारी आवश्यकताएं होंगी, हम आवश्यकता के आधार पर हम हमारे विषय वस्तु का चयन करेंगे और हम उसे अपने प्रयोग में लेने की कोशिश करेंगे। तो अधिगम को भी हमारा विषय वस्तु का जो स्वरूप होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। फिर है शारीरिक स्वस्थ और मानसिक स्वस्थ। हम कहते हैं कि जब तक हमारा शरीर निरोगी रहेगा तभी उसके अंदर, कहते हैं जब स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, हम जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो हमें अगर नॉलेज लेना है, अधिगम सीखना है, तो हमें स्वस्थ रहना अनिवार्य है। सीखने की इच्छा, जब तक इच्छा जागृत नहीं होगी हम किसी चीज के बारे में सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें उसके बारे में हमारे मन में इच्छा जागृत करनी होती है कि हमें किस तरीके से सीखना है। फिर है सीखने की विधि, कि हम कौन सा मेथड इसमें शिक्षक काम में लेते हैं। इसके लिए हमने बताया कि जैसे सरल से कठिन की ओर विधि को अपनाने में हमारे शिक्षक, सबसे ज्यादा हमारे मनोवैज्ञानिक, हमारे शिक्षाविद ने इस विधि को बहुत ज्यादा अपनाए हैं कि हमें हमेशा सरल से कठिन की ओर, जिसे हम कहते हैं कि हम बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। अभिप्रेरणा, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जब हम अधिगम करते हैं तो हमें कुछ सहायक होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं, हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं कि किस तरीके से हमें वो कार्य करना है। वातावरण, ये अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम देखते हैं कि एक जब हमारा वातावरण, अगर हम महाविद्यालय में आते हैं, हम क्यों आते हैं, क्योंकि वहां का वातावरण हमारा कौन सा होता है, हमारा ज्ञान प्रदान करने के लिए। एक हम एग्जाम्पल देखें, आजकल बच्चे जब तैयारियां करते हैं तो बजाय घर से वो अपने कोचिंग क्यों जा रहे हैं, उस वातावरण को लेने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं वो वातावरण उन्हें मिले जिससे कि उनकी इच्छा जागृत हो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो वातावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जैसा हमारा वातावरण होगा हम उसी तरीके की ज्ञान लेंगे, हम सीखेंगे। फिर है हमारे थकान। थकान के लिए कहते हैं कि इंसान जब, अगर थकान हमारी किसी चीज में रुकावट बनती है, हम किसी चीज को सीखते हैं, अगर हमें थकान महसूस होती है तो हम उस चीज के बारे में हम सीख नहीं पाते हैं। तो हमें एकदम से फ्रेश करके हमें उस चीज को सीखनी चाहिए। ये हमारे इसके महत्वपूर्ण कारक थे और विशेषताएं थी। धन्यवाद।